ये है ना, दो बार ये वाला देखो, स्वागत शब्द को उन्होंने प्रयोग किया। चलो बोले कब तक उन्होंने स्वागत, जब कृष्णा बंसी बैठो के नीचे खड़े होकर के उन्होंने बंसी बजाई, जब ब्रज गोपियां घर के सारी काम धाम को छोड़ करके, कोई बच्चे को दूध पिला रहे थे उस समय छोड़ दिया, कोई श्रृंगार कर रहे थे उस समय छोड़ दिया, किसने पति को खाना खिला रहे थे उसी समय छोड़ दिया, किसने गैया धो रहे थे उसी समय छोड़ दिए, सब सारे काम धाम को छोड़ छाड़ करके जब ब्रज गोपियां कृष्ण के रास लीला में उपस्थित हुई, तब कृष्ण उनको कहते हैं स्वागतम महाभागा। कृष्ण कहते हैं हे महाभाग्यवती, तुम लोगों ने स्वागत करते, बोले क्यों स्वागत करते, तुम लोगों ने सारे घर की बंधन को छोड़ करके तुम लोग के रास लीला में आए। फिर कृष्ण फिर स्वागत कब किए, जब कृष्ण कैया चराते चराते भाद्रव में पहुंचे, जब कृष्ण का सखाओं को कृष्ण को भूख लगी और उन्होंने अपना सखाओं को भेजा, जाओ यहाँ पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाओ तो ब्राह्मणियों को पास में कुछ भोजन लेकर गया। जब कृष्ण के सखा लोग जाकर के भोजन की बात बताए, कृष्ण पास में कैया चराने के लिए आए और उनको बड़ी जोर से भूख लग रहा है, उसी समय जितनी मथुरा की ब्राह्मणियाँ थी यज्ञ के लिए जो लड्डू कचौरी मालपुआ रसमलाई जलेबी की चमचम और बढ़िया बढ़िया खाना बनाए थे, उन लोगों ने जो यज्ञ के लिए बनाए थे सबके सब उठा करके कृष्ण की सभा के लिए दौड़ गए। जब वो लोग आए फिर कृष्ण उनके लिए भी स्वागत शब्द प्रयोग करते हैं, बोले स्वागत में महाभागा, बोले तुम लोगों में स्वागत करता हूँ क्योंकि तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो, क्योंकि कृष्ण को पास में आए, आप लोगों को भी स्वागत है क्योंकि आप लोग भी घर के सारे काम काज छोड़ करके आए, इसको पति को वजन खिलाना, कल स्कूल बच्चे जाएंगे उनके लिए तैयार करना है, घर में सास ससुर घर में सब होता है ना, आप लोग भी सारे काम को पीछे छोड़ छाड़ कर काम रहा है गौरी मठ में आ गए, इसलिए आप लोगों को स्वागत है जो जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने के आज आए हो। आज हम लोग जगन्नाथ जी कथा सुनेंगे और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु, मैं पहले एक दिन कथा करके गया था कि रथ यात्रा को विषय पर मैंने बताया था, रथ यात्रा की बहुत तरह तरह का मतलब है, मतलब पहले सुनाया था जब कृष्ण को साथ में कुरुक्षेत्र में बड़ी दिनों को बाद में ब्रज गोपियां कृष्ण के सखा लोग नंदा जसोदा और श्री राधा रानी कृष्ण को साथ में मिले, राधा रानी ने कहा हे श्याम सुंदर, आप भी वही श्याम सुंदर हो, हम भी वही राधा, लेकिन जब हम वृंदावन में जमुना किनारा में जहाँ पर सुंदर चंद्रमा का किरण छिड़क रहा, जहाँ पर सुंदर बेली चमेली जुबी केतकी सुंदर सुंदर यहाँ पर फूल खिले हुए जिसकी सुगंध से चतुर्दिक अमोर हाँ चतुर्दिक एकदम उल्लासित हो रहा है, जहाँ पर कलकल नाद से जमुना नदी बह रही है, जहाँ पर सुंदर कोयल कू कर रहे हैं, जहाँ पर मयूर सुंदर केका कर रहे थे, जहाँ पर हम कुंज में जब हम मिलते थे जो आनंद है ये आनंद यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो तुम्हारी जो ड्रेस है वो ब्रज का कोई चिन्ह ही नहीं, तुम्हारी मयूरकुट कहाँ है, तुम्हारी बंसुरी कहाँ है, हाँ तुम्हारी वो बनमाला कहाँ है, यहाँ से राज देश है घोड़ा हाथी सैन्य सामंत है, इसलिए श्याम सुंदर को आनंद यहाँ नहीं, अगर आप हमें आनंद देना चाहते हो हमारे हृदय रूप रथ में बैठो, आनंद हृदय मन और मोर मन वृंदावन मने बने एक कर माने, दूसरा का जो मन है जिसमें तरह तरह का काम क्रोध लोभ मोह से भरा पड़ा हो, लेकिन मेरी हृदय क्या है, मेरा हृदय तो वृंदावन है, आप ये वृंदावन रूप रथ में बैठो, चलो हम आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र से द्वारका से हम ले चलते हैं वृंदावन, अब वहीं पर जमुना किनारे में मिलेंगे, यही रथ यात्रा है जहाँ पर श्री किशोर जी
श्याम सुंदर के हृदय में बैठा करके वो वृंदावन ले जा रहे हैं। और इसकी तो बहुत बहुत कथा आप लोग सुनते रहते हो, मैंने पहले भी बताया था। अभी प्रश्न है, कृष्ण रहते हैं द्वारका, कृष्ण रहते हैं द्वारका में, सोते हैं कहाँ पर? सोते हैं श्री महिषियों के पास में, लेकिन रोते हैं श्री ब्रजवासियों के लिए, दिन रात रोते हैं। जब सोते हैं गोपियों महिषियों के पास में, कभी रात भर इतने रोते हैं ब्रजवासियों का नाम लेकर के, राधा जी के नाम लेकर के रो रो करके आंखों का आंसुओं से तकिया भिगा देते हैं, इतने रोते हैं ब्रजवासी के लिए। इसलिए कृष्ण कहाँ जाएंगे कहाँ? वृंदावन जाने के लिए छटपटा रहे हैं। लेकिन वृंदावन वहां पर पुरी में कौन कौन पुरी में गए? कौन कौन पुरी गए? हाथ उठाओ तो पुरी कौन कौन गए? दो चार लोग गए। अरे कौन जाना चाहते हैं आगे? अरे सबके सब जाना चाहते हैं। इसलिए पुरी में दो मंदिर है, जिस मंदिर में जगन्नाथ जी पूरा साल भर रहते हैं, और दूसरे मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर और एक मंदिर है जिसको कहते हैं गुंडीचा मंदिर, और एक मंदिर जगन्नाथ जी जहाँ रहते हैं वो मंदिर को मानी जाती है द्वारका। और वहाँ से जब जगन्नाथ जी जाते हैं वृंदावन में जाते हैं, और वहाँ पर केवल 9 दिन जगन्नाथ जी वहाँ पर डूबते हैं। अभी वो मंदिर, जिस मंदिर में जाएंगे से जगन्नाथ जी जिसको मानी जाती है वृंदावन, लेकिन साल भर उसको साफ सुथरा नहीं होता। ठीक रथ यात्रा से एक दिन पहले राजा अपना नौकरों को देकर के वो मंदिर को साफ सुथरा कर देते। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ पुरी में आए, जब उनको पता चला श्री राजा ये गुंडीचा मंदिर को, मतलब श्री वृंदावन को नौकरों को देकर के ये मंदिर को साफ सुथरा करेंगे, महाप्रभु अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वृंदावन में श्याम सुंदर आके के राधा रानी की निकुंज में आएंगे, वो वृंदावन में राधा रानी के निकुंज में लेंगे, जहाँ ठाकुर जी स्वयं आएंगे जगन्नाथ जी, उनको नौकरों को दे करके पैसा दे करके वो मंदिर को साफ सुथरा करना, ये महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जो भक्ति का जो डेफिनेशन है, महाप्रभु कहते हैं बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवता भक्ति अहेतुकी त्वयि। इसलिए महाप्रभु भक्ति का डेफिनेशन दिए, जो भक्ति है उसमें कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए, उसमें धन दौलत पुत्र परिवार उसमें कुछ नहीं रहनी चाहिए, उसमें तो केवल एक ही भावना चाहिए, हम निष्काम होकर के हम ठाकुर जी के चरण की हम सेवा कैसे करेंगे, केवल एक ही भावना होनी चाहिए उसमें। लेकिन उन्होंने देखा महा श्री राजा नौकरों को पैसा दे करके मंदिर साफ सुथरा करेंगे, महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। महाप्रभु ने बोले इस बार हम सबके सब मिलजुल करके ये जगन्नाथ मंदिर जी को हम सबके सब मिल करके ये मंदिर साफ करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्री राजा से उन्होंने उस सेवा को मांग कर लिया। बोले कौन सा सेवा को मांग कर? सब व्यक्ति चाहते हैं कोई बड़े बड़े सेवा करें, कहते ना हम सब बड़े बड़े सेवा करें, लेकिन महाप्रभु कौन सा सेवा को मांगे? बोले झाड़ू लगा करके साफ करने, झाड़ूदार की सेवा महाप्रभु मांगे। इसलिए भक्ति जगत में जो झाड़ू लगाने का बड़ा अंतर है, हम तो झाड़ू लगाएंगे मंदिर में, लगाएंगे मंदिर में झाड़ू, लेकिन झाड़ू कहाँ लग जाएगी? अपना हृदय में झाड़ू लग जाती, हृदय साफ हो जाती है। इसलिए हमारे संप्रदाय में झाड़ू लगाने का बड़ा महत्व है। इसलिए आज हम सुनेंगे ये झाड़ू लगाने से क्या सेवा मिलता है, केवल आज किसी विषय पर सुनेंगे। अगर कोई मंदिर में आकर के लिपा पोता लगाता है, मंदिर में झाड़ू लगाता है, इसमें क्या फल है? देखो हमारे संप्रदाय में श्री श्यामानंद प्रभु आप जानते होंगे, इनका नाम पहले था तुलसी कृष्ण का, लेकिन जब इनको गुरु जी ने उनको वृंदावन में भेजा, अरे जाओ श्री जीव गोस्वामी को पास में,
उनको पास में भजन की शिक्षा प्राप्त करो। जब जीव गोस्वामी के पास में आए ना, जीव गोस्वामी बोले देखो बेटा, जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक विवाह नहीं होगा, इसलिए बेटा जा कि निकुंज वन निधु वन में वृंदावन गए कि नहीं सकते सब वृंदावन पे गए, वहाँ दो बने एक निधु वन और एक निकुंज वन जहाँ श्री राधे कृष्ण रास करते हैं। ले जाओ उस मंदिर में रोज झाड़ लगाया करो और श्री श्यामानंद प्रभु रोज रोज जाकर के सेवा कुंज और निकुंज वन में झाड़ू लगाया करते थे। लेकिन झाड़ू लगा दे लेकिन इधर राधा रानी को रो रो करके बोलते थे ईश्वर जी हे श्रीमती राधे, कब ये पापी को ऊपर में अधर्म को ऊपर में आपका कृपा होगी। एक दिन राधा रानी जान बूझ करके दर्शन देने के लिए उन्होंने अपना चरण की त्रिभुज को छोड़ दिया। सवेरे जब गए उन्होंने देखा एक सोने की त्रिभुज बना हुआ जंगल में, सोने की नुकुर कैसे आ गया जंगल में। तब उन्होंने लेकर के जीव गोस्वामी को दिखाया, अरे गुरुदेव आज हमें इस सोने की नुकुर मिला। जीव गोस्वामी कौन है? अरे राधा रानी के भीतर परिकर है, वो कृष्ण लीला है। श्री जीव गोस्वामी श्री विलास मंजरी है, वो तो देख कर पहचान गए ये राधा रानी की चरण की नुकुर। बोले बेटा राधा रानी तेरे ऊपर कृपा करने के लिए जान बूझ करके ये चरण की नुकुर छोड़ कर गए, अगर कोई आए ना देना नहीं। बोला जिनका चरण का नुकुर वो स्वयं आ जाए और मैं अपना हाथों से उनका चरण में नुकुर पहना मिला, तब स्वयं राधा रानी आती। अब स्वयं राधा जी के चरण में उन्होंने नुकुर पहनाया, बोले किसका फल है? बोले झाड़ू लगाने का फल। अगर मंदिर में हम झाड़ू लगाएंगे ना एक दिन हमें भी राधा जी के चरण की नुकुर की प्राप्ति होगी अगर झाड़ लगाओगे। कहते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण लीला में कमल मंजरी ये अपना परिचय क्या देते हैं, कहते हम श्री नाम हाट का झाड़ू का हम झाड़ू लगाने वाला हूँ, अपना परिचय ये देते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर। और हमारा श्री प्रबोधानंद सरस्वती क्या कहते हैं, बोले जत की कर सुबह सब हल्का गुवाई नित्यं परस पुरुषस्य शिखरन्दमौले जस्या कदारसविधि वृषभानुजाया तत्केलिकुञ्जभवनाङ्गनिमार्जनस्य। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कौन मेरा ये सौभाग्य, बोले कौन सा सौभाग्य जा रहे, बोले जिस कुंज में श्री राधा रानी मान करते हैं। आज कितने राधा रानी मान की, बोले आज जुलाई करके दूसरे मत दिया करना। राधा रानी तो की मंजरियां है, जब सखी मंजरियां कुंज को झाड़ू लगाती है वो झाड़ू लेकर कुंज में हम झाड़ू बन कर उनकी सलाका बन जाए। इतने श्री भगवान की दरबार उसी समय श्री राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथ जी को जिसने प्रकट किया जी ने बनाया उनका नाम था श्री इंद्रदुम्न महाराज। पर वही इंद्रदुम्न महाराज जब श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके आए कहते महाप्रभु अकेले नहीं आए, कहते पूरा अपना परिक्रम को लेकर के महाप्रभु जगत में आते हैं। उस समय इंद्रदुम्न महाराज भी श्री कहते श्री प्रताप रुद्र महाराज बन करके आए। इनकी बड़ी इच्छा है श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें और महाप्रभु को मिले। उनने खबर भेजा महाप्रभु के पास में, थोड़ी सी महाप्रभु का चरण में प्रार्थना करो, राजा आपसे थोड़ा मिलना चाहते हैं। लेकिन महाप्रभु इनकार कर दिया, बोले नहीं मैं राजा से नहीं मिल सकता। बोले क्यों? बोले ये राजा विषय ही बड़ा विषय भोग करने वाले, बढ़िया बढ़िया खाते पीते बड़े स्टाइल में रहते हैं, कहते इनको अगर हम दर्शन करेंगे ना हमारे हृदय में ऐसे भोग की वासना नहीं आ जाए, हम भी ऐसे ठाड़वाल में रहेंगे खाएंगे पिएंगे मस्ती रहेंगे। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया मैं राजा से मिलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन राजा तो परम भक्त है, राजा बोले प्रभु अगर मुझे दर्शन नहीं दोगे फिर मैं कान में कुंडल पहन करके सारा राज्य सुख भोग छोड़ करके मैं संन्यास लेकर के चला जाऊँ। जब ये बात महाप्रभु सुने उनका हृदय तो थोड़ी सी कोमल हुआ, लेकिन लोग शिक्षा के लिए ऊपर से मिले नहीं।
बोले इतना करो आपका अपना वस्त्र महा राजा को दे दो, किंतु भगवान और उनके वस्त्र में कोई फर्क नहीं। बाद में महाप्रभु बोले एक काम करो, राजा से तो मैं मिल नहीं सकता हूँ, उनको जो बेटा है ना उनको बेटा से मेरे से मिला सकता हूँ, क्योंकि आत्मबद्ध जाए तो पुत्र जो बेटा है वो तो पिता का ही रूप होना है बेटा। महाप्रभु ने बेटे को साथ में मिले, लेकिन वहां पर जगन्नाथ की रथ यात्रा में आप लोग टीवी में यहाँ बैठे बैठे देखना, जगन्नाथ जाने से पहले राजा स्वयं अपना राज पोशाक को छोड़ करके एक साधारण एक वस्त्र पहन करके एक झाड़ू लेकर के, अभी तो रथ ऊपर में झाड़ू लगाते हैं, पहले नियम था मेन रोड में वो स्वयं राजा झाड़ू लगा। जब महाप्रभु रथ यात्रा दर्शन करने के लिए आए, जगन्नाथ जी कौन है, स्वयं महाप्रभु, उन्होंने देखा राजा होकर के और उन्होंने राजा वेश को परित्याग करते हुए झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा का काम करना, सुंदर अंगूर कर्पूर चंदन का पानी का छिड़काव करते हुए स्वयं झाड़ू लगा रहा है। महाप्रभु हृदय से इतने प्रसन्न इतने खुश हो गए, बोले उत्तम कैया करे अदम सेवन, अतएव तुम ही हो जगन्नाथ कृपा राजन, मतलब है कहां राजा और कर रहे हैं क्या, अथम सेवन झाड़ूदार का काम कर रहा है, हमारे देश में झाड़ूदार का काम कौन करता है, जिसको छूने से हम स्नान करते हैं, रास्ता में चलते हुए अगर स्पर्श हो गया ना फिर हम जाकर स्नान करते हैं, ये झाड़ूदार का है, इसको कपड़े में कपड़े लग गया। इतने महाप्रभु इतने निचा सेवा कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु देख करके इतने प्रसन्न हो गए, जरूर तेरे ऊपर हम कृपा करेंगे, जरूर तेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। उसको पहले एक समय एक राज जगन्नाथपुरी में पहले भी एक कोई एक राजा जना उसको पहले भी एक राजा हुए हैं, गुरुदेव की कथा बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे, बोले एक समय जो पुरी का जो राजा था जिनका नाम था पुरुषोत्तम जना, बड़ा सुंदर है, बड़े लंबे चौड़े देखने में बड़ी सुंदरी लड़की थी राजकुमारी, कांची राजा ने देखा मेरी लड़की तो बड़ी सुंदरी, उनका भी बड़ा नाम है, उन्होंने सुना पुरी का जो राजा पुरुषोत्तम जना बड़ा सुंदर है और बड़ा उनका नाम है, शादी दिलाई उन्होंने स्थिर किया और उनको पता चला कि जो पुरी का राजा उसका सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, इतना बड़ा फेस्टिवल पृथ्वी में कहीं नहीं, जो लोग गए बस यहीं से देखना उसमें जितने लोग होते हैं कहीं भी इतने लोग नहीं होंगे, कभी आप नहीं देखो, इसलिए वहां पर बताए जो मंदिर है जगह सबसे बड़ा मंदिर, इसलिए उसका नाम कहते हैं बड़ा देवला, उड़ीसा की सबसे ऊंचाई के लिए, वहाँ का जो रथ है बोले सबसे बड़ा रथ है, वहाँ का जो रोड है उड़ीसा में कहते बड़ा दांड, मतलब पृथ्वी में सबसे बड़ा लंबाई चौड़ाई अगर रोड कहीं देखोगे वो पूरी में, और जगन्नाथ जी को क्या कहते हैं बोले बड़ा ठाकुर, बोले पृथ्वी में इतने बड़े ठाकुर आप कहीं नहीं देखोगे, पृथ्वी में बड़े ठाकुर और जो उनको भोग लगता है यहाँ पर पृथ्वी में इतने प्रसाद कहीं किसको लगता है, उनका रसोई खाना देखे दंग रह जाओगे, एक साथ जगन्नाथ जी कितने खाते हैं और जो भोग लगता है जगन्नाथ जी को छपान भोग, दिन में छपान बाद और छपान तरह तरह का अन्न व्यंजन बनता है और इतना बार ठाकुर जी को भोग लगता है ना, इंद्रदुम ने भगवान से वरदान दिया था प्रभु आप दिन में इतने खाओ जैसे कभी आपका हाथ कभी सूखे नहीं, जैसे अभी खाना खाया हाथ धो करके आए अभी हाथ सुखा ही नहीं करना जाए, इसलिए जगन्नाथ जी तीन बार खाते रहते हैं और ठाकुर जी कितना बार खाएंगे सबको प्रसाद भी उतना मिलेगा, इसलिए उसने सुना मेरे जो दामाद है ना उसका सबरा सर्वश्रेष्ठ जो फेस्टिवल श्री रथ यात्रा देखने के लिए आया, मेरे जो दामाद बनने वाला वो कैसे रथ यात्रा मनाता, उसने जब अपना परिवार के साथ में आया राजा को देखा क्या कर रहा है झाड़ू लगा सारी जनता को सामने एक वस्त्र पहन करके झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाना, इसको देख करके जो कांची का राजा था ना उसको इतना अपमान बोध हुआ, बोले हे भगवान
जिसको साथ में बेटी का साजिद हुआ, ये सबको सामने जान लगा रहा है। अगर मेरे परिवार के लोग आ गए जो देखेंगे तेरे दामाद क्या करना है, अगर देखेंगे झाड़ू लगा रहा है मेरे घर में, दुनिया क्या बोलेगा? एक झाड़ूदार को साथ में अपना बेटी को दिया शादी और दुनिया को कोई मिले ही नहीं। उसने बड़ा अपमान उसको बोल हुआ, उसने कुछ बोला नहीं, चुपचाप चला गया। जब चला गया जाकर चुप हो गया जो बेटी की शादी करना चाह रहा था। राजा ने देखा भैया ये क्या हो गया, एक बात चला दी रहा है शादी का। उसने एक दूध भेजा जाकर के देखो तो क्या हो रहा है। जब एक दूध को भेजा ना, कांची राजा ने कहा भैया एक झाड़ूदार से मैं अपना बेटी को शादी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे बेटी राजकुमारी बड़ी सुंदर और बड़ा मेरा नाम भी बड़ा नाम है, भैया झाड़ूदार से मैं अपना बेटी को शादी नहीं दे सकता हूँ, जाकर स्वयं लेके आ गया। वो दूध राजा को इतना क्रोध आया, बोले हाँ मैं झाड़ूदार रघुनाथ स्वामी नयन पथ गामी, सब कुछ सिर्फ बलदेव प्रभु बने हुए पंच ना दिया झाड़ूदार, मैं तो सौभाग्य मानता हूँ जगन्नाथ की कृपा करके थोड़ी सी मेरी सेवा को स्वीकार, सेवा सहज में नहीं मिलता है। पूरी राजा को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उसने एक दूत भेज दिया जाओ कहो तेरी बेटी को ले करके चीख करके तेरे बेटी को ले जाएंगे और एक झाड़ूदार से शादी दिलाएंगे, जाओ जाकर मैं बोल दो। और दोनों में शर्त रहा, कहते इनका इष्ट कौन है जगन्नाथ जी, कहते उनका इष्ट कौन गणेश जी। बोल अगर कोई राजा हर जाएगा इनका जो इष्ट को ले करके उनका इष्ट गणेश को पीछे बैठना पड़ेगा, अगर वो अगर हार जाएगा उनका इष्ट गणेश को ला करके श्री जगन्नाथ में सत्य रहे। पुरी राजा दूसरे दिन सैन्य सामंत को लेकर गए, दोनों में घमासान लड़ाई, तीन भर लड़ाई, लेकिन कौन कौन गए पुरी में, हाथ उठा तो पुरी में कौन कट गए, पुरी कौन कट गए आप लोग देखना, ठीक जगन्नाथ मंदिर को पीछे वो गणेश बैठे और वो गणेश की गोद में एक देवी बैठी, वो देवी रिद्धि सिद्धिदात्री देवी, उसका अंदर में इतने प्रभाव था और ऐसे उसका अंदर में ताकत थी, राजा जितने सैन्य सामंत को मार रहे थे उतना सैन्य सामंत उसी समय प्रकट हो रहे थे, वो देवी उसी समय जन्म दे रही थी, जन्म दे रही थी। राजा दिन भर युद्ध करते करते जितने सैनिक को मार रहे थे उतना सैनिक कहां से आ रहे थे, क्योंकि वो था ये गणेश जी की गोद में जो शक्ति देवी किसकी, ये प्रभाव राजा तो हरा नहीं सके, दिन में था युद्ध करते करते वापस आ गए, आकर के सीधा जगन्नाथ जी की नदी में गए और जगन्नाथ जी के चरण में सीधा लेके गए, बोले हे प्रभु अगर मैं हार जाऊंगा ना आप याद रखो आपको जाकर के उसको इष्ट को पीछे बैठना पड़ेगा, और मैं क्यों युद्ध कर रहा हूँ, मेरे लिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए युद्ध कर रहा हूँ, मैं तो झाड़ूदार हूँ लेकिन किसका झाड़ूदार हूँ, आपका झाड़ूदार हूँ, मेरी जय तो आपकी जय और मेरा जो पराजय है ना ये आपका ही पराजय है, इसलिए प्रभु जी आप मेरे लाज रखा करो। जब उनको चरण में सीधा जा करके लेट गए, ठाकुर जी सुनने में आए जगन्नाथ, जगन्नाथ जी बड़े दयालु, बड़े ठाकुर दयालु, स्वप्न पे जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, बोले महाराज कोई चिंता मत करो, कल हम दोनों भैया कृष्ण बलराम दोनों भैया तेरे पक्ष में सैनिक बन करके हम युद्ध करने के लिए जाएंगे, आप कोई चिंता मत करो। सचमुच से राजा उठने से पहले कृष्ण बलराम दोनों भैया उठ करके स्नान करके और एक काले घोड़े और एक सफेद घोड़े ऊपर दोनों भैया बैठ गए, पूरा जैसे दो सैनिक एकदम तीर हैं और धनुष लेकर के दोनों भैया युद्ध करने के लिए चल पड़े। चलते चलते बीच में एक गांव आया, कोई एक भक्त थी ठाकुर जी को, उसको ऊपर में का काम है, उनका तो कोई भूख है नहीं लेकिन उनको भूख लग जाती, बोले कब, जब भक्तों का प्रेम, कृष्ण को भूख नहीं है, वो आत्माराम अब तो काम, लेकिन भैया जसोदा के पास में बारम्बार मचलते, बोले भैया मेरे को भूख लगी,
मैया मेरे को मक्खन मिश्री खिला दे, रोटी खिला दे, कन्या मचलते दिन भर मचलते रहते हैं है? लेकिन क्यों मचलते हैं? बोले भक्तों का प्रेम को देख करके भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई ठाकुर जी, केवल प्रेम के ठाकुर जी भूखे हैं। अभी किसी भक्तों को ऊपर भूख लगी, हमें दही पिला सकती हो? उसने देखा बड़े सुंदर सूरज जैसे प्रकट हो गए, दो मधुआला हाथी जैसे दोनों देख करके उन्होंने बोले क्यों नहीं पिलाऊंगा। दोनों भैया ने सारे के सारे चट कर लिए, सब खत्म कर दिए। उसने बोले पैसा दो, उसको कर्म में देखे, वो उसको कर्म में देखे। देखो ठाकुर ने क्या लिया, जो लक्ष्मी पति है कहते उनके पास में पैसा नहीं, लक्ष्मी जी की चरण की सेवा करती है। बोले देखो हमारा पास में तो कोई पैसा है। बोले क्या, यही दही बेच करके मैं अपना संसार पालती हूँ, अब खाने से पहले सोचे नहीं, खाने के बाद वो सोच रहे पैसा नहीं, पैसा दो। बोले देखो हमारे एक हाथ में एक पुत्री का है, अंगूठी है, ये अंगूठी को ले पूजा जाते हैं। बोले कुछ देर बाद में पुरी का राजा गजपति वो खड़ी देखा सचमुच से थोड़ी देर बाद सामंत के साथ में धूल उड़ा तो ये आ रहा बात है। बोले आपका दो सैनिक पहले गए थे और सारे कोई पैसा नहीं दी। बोले हमारे कोई सैनिक गए अभी तो हम आ रहे, लेकिन उनको पता नहीं कृष्ण बलराम पहले युद्ध करने के लिए चले गए, उनको पता ही नहीं बात। बोले हमारा तो कोई सैनिक गए। बोले किया, बोले देखो राजा देख करके उसको ऊपर लिखा हुआ जगन्नाथ जी का नाम, राजा स्वयं को पुत्री का बना करके आया था, सब देखा गिरे की कितने कीमती चीज है, स्वयं कृष्ण बलराम मेरे को जो स्वप्न दिए थे ये दोनों भैया मेरे से पहले दोनों गए, राजा घोड़ा से ऊपर उतर गए, उसकी चरण छुए, तुम्हारे जैसे सौभाग्य में जगत में कोई नहीं। वो दोनों सैनिक नहीं, स्वयं जगतपति जगन्नाथ और स्वयं दाऊ भैया है, तुम्हारी दही खाए, तुम बड़ी सौभाग्यवती हो। उनकी झोली तो गिरे जवाहरात, उस राजा उसको झोली भर दिए। बोले तुम ये खड़े होकर के चार तरफ में देखो, जितना दूर तक तुम्हारी नजर जा रही है आज से पूरा ये स्थान का नाम तुम्हारे नाम पर, उसका नाम था मानकी ग्वाली का नाम, बल्कि ये स्थान का नाम होगा मानकी पाटना, आज से ये स्थान का तुम रानी बनो। उनको रानी बना करके झोली भर करके चले गए। बल श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जयकार लगा, बल जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री ताऊ भैया की जय, बल श्री सुभद्रा देवी की जय, बल श्री सुदर्शन चक्र की जय। जब सचमुच से राजा वहां पर पहुंचे, देखा दोनों भैया कृष्ण और बलराम घमासान युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध करते करते सचमुच से देखा जितने ये सैनिक मार रहे थे कृष्ण बलराम, उतना सैनिक पीछे से कहीं जा रहे थे, वो पीछे से आ रहे थे। उन्होंने पता लगाया, तो पता तो लगाओ जितने सैनिक मर रहे हैं उतना सैनिक आ रहे हैं कहां से। पता लगाया वो जो गणेश उनको गोद में एक सिद्धि लाते बैठी हुई, वो सिद्धि जो देवी उतना सैनिक को प्रसन्न कर रही है, जितना मर रहे उतना प्रसन्न कर रहे हैं। जगन्नाथ को तो बड़ा क्रोध आया, उनने उठाया धनुष, बोले गणेश जी अगर ये जन्म को बंद नहीं करोगे ना, देखो धनुष उठाया तो तेरे को भी मैं खत्म कर दूंगा। जब उनने धनुष उठाया गणेश जी कांप गए, बोले प्रभु जी मेरे को मारना नहीं, मेरे को मारना नहीं, अभी मैं बंद कर देता हूँ। इसलिए उन्होंने जो जन्म दे रहे थे सिद्धिदात्री, उन्होंने जन्म स्थान को उन्होंने सूर से उन्होंने बंद कर दिया। फिर श्री जगन्नाथ जी सारे सैनिक को बंद करके राजा को परास्त करते हुए उन्होंने बंदी बनाया, बंदी बना करके उसको ला करके पूरी राजा को चरण में डाल दिया। बोले महाराज जो कुछ करना लो, अब जो कुछ करना अब कर लो, आपकी जो इच्छा। फिर राजा वहां से चार चीज को लेकर के आए, पहला लाए मोर सिंहासन, कि उसी समय बड़ा सुंदर हीरे जवाहरातों से वो जड़ा हुआ था मोर सिंहासन। ये ब्रिटिश ने ये सिंहासन को यहाँ से लेकर के अपना देश में चला गया, अभी उसका म्यूजियम में वो चीज देखने को मिलता है।
दूसरे चीज वहां से लाए थे वो गणेश जी भंडे गणेश, तीसरे चीज लाए थे जो पूरी गए हैं वहां पर श्री गंभीराज, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक जहाँ पर थे वो गंभीराज एक ठाकुर जी है उसका नाम था राधाकांत, इसलिए वो मंदिर का नाम गंभीराज ही और ठाकुर के नाम का अनुरूप उसका नाम राधाकांत मंदिर ही है वो। और जो चौथा जी लाए थे उनकी बेटी और पंचमा चीज लाए थे गोपाल जी लाए थे, पांच चीज वहां से लाए और वो जो बेटी ना राजकुमारी की उसको ला करके मैंने मंत्री को दे दिया, बोले महामंत्री लो ये राजकुमारी को, ये राजकुमारी को किसी अच्छे झाड़ूदार के साथ में शादी दिला दे, क्योंकि राजा ने कहा ना राजा को झाड़ूदार, ये झाड़ूदार के साथ में बेटी को शादी दूंगा, बोले इसको किसी अच्छी झाड़ूदार के साथ में शादी दिला दे। मंत्री तो बड़े बुद्धिमान होते, उन्होंने दूसरे दूसरे मंत्रियों को बुला करके मीटिंग किया, बोले बताओ अभी क्या देना चाहिए, क्योंकि एक दिन यही राजरानी बनने वाली थी। लेकिन ऐसे ऐसी घटना हो गई, सब लोगों ने परामर्श किया एक काम करो, फिर एक साल के बाद में फिर दोबारा जगन्नाथ की रथ यात्रा आई, फिर ये राजकुमारी को सुंदर रूप में उसको सजा करके दुल्हनी बना करके फिर हम उसको राजा के साथ में शादी दिला देंगे। जब फिर एक साल बाद में आए वो लड़की को छुपा कर रख दिए, एक साल बाद में फिर रथ यात्रा आए, फिर राजा झाड़ू लेकर के जब झाड़ू दे रहे थे इसको दुल्हनी बना करके पालकी में बैठा करके सजा करके ले जाओ राजा के गले में ये बरमला डाल दो, जब बरमला डालने के लिए गई राजा ने कहा भैया मैंने कहा था इसको किसी अच्छे झाड़ूदार से शादी करने के लिए, मंत्री भैया में कोई रहे आप इसको ग्रहण करो, फिर राजा ने ग्रहण किया। देखो झाड़ू लगाने का कितना महत्व है, झाड़ू लगाने पर स्वयं ठाकुर जी इनके पक्ष में स्वयं कृष्ण बलराम युद्ध करने के लिए जाते हैं, कभी ये एक कथा है झाड़ू लगाने का। दूसरी कथा है जब श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने देखा, उन्होंने तो पहले मना कर दिया मैं राजा को दर्शन नहीं दूंगा, ये राजा विषयी आदमी, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा दर्शन करने आए जब देखा ये राजा मेन रोड ऊपर में अपना जनता को सामने झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहा है, राजा चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, बोले जरूर तेरे ऊपर में कृपा करो। देखो कैसी कृपा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में वहां 7 दल होता था, अलग अलग दल में कीर्तन होता था, 7 दल में 2-2 मृदंग है, 14 मृदंग बजती थी जिसमें नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित गदाधर ये सब के सब भक्त मिलकर के जहाँ बड़े करीब स्वयं चैतन्य महाप्रभु जहाँ नृत्य करते थे, नृत्य करते समय ये प्रताप रुद्र राजा प्रताप रुद्र भी हैं, इन्होंने भी दर्शन करने के लिए गए, जब गए केवल इन्हीं को ही दर्शन मिला, क्या दर्शन मिला इनको मिला, जैसे मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, बोले महाप्रभु सब जगह देख रहा हूँ, देखो राजा जो श्री लेकिन केवल तेरे को दिख रहा है, मतलब क्या महाप्रभु तेरे ऊपर में विशेष कृपा है, तुम्हारी ऊपर में किए हैं कि महाप्रभु विशेष कृपा है, महाप्रभु का आशीर्वाद तेरे ऊपर में, ये एक कृपा की। दूसरे कृपा की केवल झाड़ू लगाने पर जब रथ यात्रा चलती है बीच में एक पार्टी का आदमी है, एक बाघ है जिसका नाम है श्री जगन्नाथ बल्लभ वाटिका, उसमें बड़े सुंदर सुंदर आम के वृक्ष, कटहल का वृक्ष, नारियल, केले, जितने तरह का फल फूल तुलसी से पूरा वो बाग बड़ा सुंदर बाग है, वहीं पर जगन्नाथ जी का रथ जाकर के बीच में यहीं पर डूब जाती है और वहीं पर जगन्नाथ जी को बड़े सुंदर सुंदर तरह तरह का, कभी चैतन्य चरितमृत पढ़ना कितने तरह तरह का खाना जगन्नाथ जी को भोग लगता है, तरह तरह का जगन्नाथ जी को भोग लगता है, अभी जगन्नाथ जी को भोग लगता है महाप्रभु राधा जी के भाग में कैसे श्री राधा रानी अपना हृदय रूपी मंदिर में श्याम सुंदर को बैठा करके कहाँ ले जा रहे हैं, वृंदावन ले जा रहे हैं,
बड़े दिनों के बाद में श्याम सुंदर प्रसाद में श्री राधा रानी की मुलाकात हुई है। इसी भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु ये रथ को खींचते हुए ले जाते हैं और वहीं पर रथ रुक जाती है। महाप्रभु जाकर वहीं पर राधा जी के भाव में वहीं पर जाकर के एक वृक्ष को नीचे महाप्रभु प्रेम में सोए हुए राधा जी के भाव में। इतने में जितने महाप्रभु का परिगत है ना, वो सबके सब चाहते थे एक बार महाप्रभु प्रताप रुद्र को कृपा कर आशीर्वाद दे, क्योंकि ये प्रताप रुद्र राजा इंद्रदुम्न राजा पर सत्य थे के इतने भक्तों का सेवा करते थे, इतने भक्त सेवा करते थे, भक्त लोग उसको ऊपर में कृपा की। इसलिए हमारे से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बोले वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दया पाय प्रति आवे ना सदाया। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अगर भगवान की कृपा आप पाना चाहते हो कहते सबसे सरल उपाय क्या है बोले वैष्णव को खुश करो, संतों को खुश कर दो, उनको भोजन करा के उनकी सेवा करके भक्तों को खुश कर दो। जब हम भक्तों को खुश करते हैं कि ठाकुर कहाँ पर है बोले वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नाम वैष्णव पराय। इसलिए नर्तमदास ठाकुर कहते भगवान शुद्ध भक्तों का हृदय में ही भगवान के निवास है। और भक्तिविनोद ठाकुर दूसरे कीर्तन में कहते हैं बोले एकाकी आमार नाही पाइबर हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देव कृष्ण कृष्ण से कुमार कृष्ण दित पर तुमार सकिया आमी तंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धारी तब पाचे पाचे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एटा से करुणात। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बोले कृष्ण किसके हैं बोले कृष्ण भक्तों का संतों का कृष्ण है, हमारे कृष्ण नहीं है, कृष्ण संतों का है। अगर कोई संत कोई भक्त अगर हमारी हो करके ठाकुर जी से एक बार प्रार्थना कर ठाकुर जी ये दीन हीन जन इसको पर आप आशीर्वाद दो आप इनको पर आप कृपा कर दो। जब वैष्णव लोग हमारे हो करके ठाकुर जी को पास में प्रार्थना करेंगे ना आज ठाकुर जी उसी समय ही कृपा कर देते उसी समय कृपा कर देते हैं। इसलिए श्री प्रताप रुद्र गोपर में सारे भक्त लोग जो सेवा करता है वो सारे भक्त लोग संतुष्ट है इस गोपर में। जल्दी जल्दी आओ महाप्रभु बेहस होकर पड़े हुए बोले जल्दी जल्दी आओ और एक वस्त्र पहनो पहन करके महाप्रभु का चरण की सेवा करो और एक गोपी गीत गाओ। राजा ने महाप्रभु का चरण की सेवा कर दी और सेवा करते करते गीत गा रहे कौन सा गीत है बोले जयती जब थोड़ी दूर गए देखा दोनों चरणों के बीच में एक छोटी सी एक पिस्ता करके कहते भैया आज हमने जीत गए हम जीत गया है। जब उसी तरह लड़कियों खुश हो गए जिसको राधा रानी पढ़ाया करती थी राधा के विवास प्रिय सु। इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी उद्घोष वहां पर बहुत सारी सखियां हैं श्यामला कालिन जी वहां पर श्री ज्यादा प्रेम करते चंद्रावली आदि। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भले ही तू अपना को इतने सौभाग्य मानना मानते रहो लेकिन देखो तो सही यहाँ पर सबके सब गोपियां तो थी लेकिन श्याम सुंदर अकेले किसको लेकर गए केवल हमारी ईश्वर जी को राधा जन। इसलिए वो बीच में श्री राधा चिन्ह था इसलिए उन्होंने बोले अनयाराधिकनुन भगवान हरि ईश्वर यही सखी ही कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ रूप में उन्होंने
आराधना की, जिस वजह से कृष्णा सब कुछ छोड़ करके हमारे श्री ईश्वरी जी को लेकर के जाते हैं और थोड़ी दूर गए तो फिर तो चरण चिन्ह, किसी ने कहा देखो देखो वो चरण चिन्ह कहाँ चली गई। दूसरी कहती है ये तो हृदय को और भी पीड़ा देने वाले, बोले क्यों, बोले देखो श्याम सुंदर का चरण देखो, बोले क्या है, बोले ज्यादा नीचे दबा हुआ, बोले मतलब बोले समझ नहीं रहे हो, वो जो श्याम सुंदर ना वो सखी को अपना गोद में उठा करके लेकर गए, इसलिए कृष्ण का चरण दबा हुआ। ऐसे करते करते कृष्ण का आधारण को श्रृंगार कर रहे थे, इतने में कृष्ण बोले जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, बोले मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे राक्षस लाए ना ऐसे ले चलो, बोले गंधे में बैठ, बोले बैठा बास। इतने में श्री श्याम सुंदर जी हुई अंतर ध्यान हो जाती है, गोपियाँ राधा रानी में बड़े बेहोश हो गई, गोपियाँ जाकर के बहुत सदली बातें हैं, बोले एक काम करो कृष्ण को उसको भजन बड़ा प्यारा है, चलो हम सबके सब बैठ कर जमुना किनारे में उनकी भजन गाएंगे। तभी उन्होंने ये कीर्तन को गाए, अभी महाप्रभु की वही भाव है, क्या भाव है, श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए, श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए, उसी भाव से महाप्रभु रथ यात्रा को रथ खींच कर ले जा रहे हैं, और वहीं पर उसी भाव से महाप्रभु बेहोश होकर पड़े हुए, और जब उन्होंने कीर्तन गाए तब कथा मृतम तप्त जीवनम, ये श्लोक का तरह तरह का अर्थ है, ये राधा रानी कह रही है जब हृदय कृष्ण विरह में, जब ये हृदय उत्तप्त रहे विरह रहे उसी समय हमें आनंद देने वाले क्या है, तप कथा मृतम, मतलब भगवान और वो जो कथा है उसमें कोई फर्क नहीं, भगवान उनको कथा एक ही वस्तु है, हाँ भगवान भगवान कथा में, इसलिए बंगला में जो कहावत है हरि को था है, मतलब हरि कहाँ है, बोले हरि कथा है, बोले हरि और कहीं नहीं, हरि कहाँ पर है, कहाँ पर है, देखो आपको भी प्रमाण प्रमाण दिलाता हूँ, जैसे हरि कैसे कथा में, देखो भगवान और उनकी कथा में कोई फर्क नहीं है, देखो हम संसार में सबके सब दुखी है, दुखी है, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बॉयफ्रेंड से दुखी, कोई गर्लफ्रेंड से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई अपना बीवी से दुखी, कोई अपना सांस से दुखी, कोई मेहनत से दुखी, कोई पढ़ाई से दुखी, देखना सब दुखी 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 संसार में, कोई हम सुखी नहीं संसार में, सब दुखी, देखो कैसे भगवान भगवान कथा करेंगे, यहाँ पर हम कितने समय से बैठेंगे, आधा घंटा कोई नहीं, एक घंटा से बैठेंगे, लेकिन आपको मन में संसार का कोई चिंता याद है, संसार की कोई बात हमारे दिमाग में अभी है, हम संसार में कोई इतने दुखी दुखी है, कोई बात आपको याद है अब तक, नहीं, कोई ना एक घंटा से समझो ठाकुर की गोद में बैठे हुए हो, ठाकुर जी के निकुंज महल में बैठे हुए हो, मंदिर में नहीं, ठाकुर जी की कथा नहीं, भगवान की गोद में बैठे हुए, केवल कथा से गेट से बाहर निकलो सारा संसार का दुख पहाड़ जैसे सर पर टूट पड़े, घर में जाने पर ये होगा, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सारा दुनिया की दुख, लेकिन कितने समय कथा में बैठो सारा दुनिया को हम भूल कर बैठे हुए, इसलिए श्री राधा रानी कह रही है हे श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा है ये कथा नहीं ये अमृत है, विरह से अगर कोई दूर करने वाले सुख देने वाले तुम्हारी कथा, कथा में ही इतने ताकत है, जब श्री प्रताप रुद्र महाराज हैं जिस समय महाप्रभु की चरण की सेवा करते करते जब उन्होंने ये श्लोक बोले तब कथा मृतम तप्त जीवनम, जीवन को सुख देने वाले हैं सारे कलमश को दूर करने वाले, मंगल देने वाले, संसार का बंधन को नष्ट करने वाले, और जगत में सबसे बड़ा दानी कौन है, जो तुम्हारी कथा मृत को दान करते हैं, जब इतना बोले महाप्रभु राधा जी भाव में बेहोश होकर पड़े हुए, इतने में श्री महाप्रभु प्रेम में ऐसे गदगद हो गए, उन्होंने तो जैसे कुछ जानते नहीं सब जानते, इतने में महाप्रभु प्रेम में गदगद होते हुए भूलिदा जना किसने मेरे को ये अमृत पिलाया, किसने मेरे को ये अमृत पिला रहे हैं, महाप्रभु उठे और राजा को आगे, जिस राजा को महाप्रभु दर्शन देना नहीं जा रहे थे उन्होंने किया, क्या महाप्रभु उन्होंने श्री राजा को उन्होंने आलिंगन किया, किसने मेरे को ये अमृत पिलाया, फिर महाप्रभु अपना ऐश्वर्य दिखाया और महाप्रभु बोले देखो बेटा ये बात उसको बोलना नहीं, लेकिन तेरे को मैंने ये ऐश्वर्य अभी होगी तेरे को मैंने दिखाया, उन्होंने लीला सारे दर्शन कराए, बोले ये किसका फल है, बोले झाड़ू लगन का, भगवान के दरबार में
अगर झाड़ू लगाएंगे ना महाप्रभु इतने दूर तक हमारा पर कृपा करने वाले। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हम कौन है, बोले भगवान की मंदिर की हम झाड़ूदार है, इसलिए रोज आकर मंदिर में झाड़ू लगानी चाहिए। मैंने पहले बताया ना कि एक समय कोई एक राजा था, कोई लोगों ने देखा भैया राजा होकर तो मंदिर में झाड़ू क्यों लगा रहा है। एक दिन उनको पूछे आप तो राजा ही मंदिर में झाड़ू क्यों लगाते हो, उसने अपना पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले पूर्व जन्म में कथा मेरी याद है, मेरा जन्म की बात याद, पूर्व जन्म में मैं बहुत बड़ा दुष्ट था। एक समय एक वेश्या को लेकर के गलत काम करने के लिए जंगल में, पता नहीं था ये भगवान विष्णु का मंदिर है, मैंने वो मंदिर को साफ सुथरा किया गंदे भावना से, लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु इतने कृपालु कहते गुना अपगुना प्रभु देखो ना, ठाकुर जी ऐसे दयालु किसी के अपगुणों के ऊपर हमें ठाकुर का नजर नहीं रखना है, हमारे अंदर में जो गुण है उसको ठाकुर जी देखते हैं। मैंने जो मंदिर को जो साफ किया ठाकुर जी इसी जीवन में मेरे को राजा बना दिया। अगर गलती भावना से साफ करे अगर इतना फल है, अगर कोई प्रेम से साफ करे तो आप सोच भी नहीं सकते हैं ठाकुर के दरबार में झाड़ू लगाने का कितने महिमा है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने कौन सा सेवा उन्होंने मांग करके लिया, कोई बड़ा सेवा नहीं। हाँ हम चाहते ना हमको कोई बड़ा पोस्ट मिले, हमको कोई मंदिर में बड़े पोस्ट नहीं, जितने हमारे महाप्रभु क्या कहते हैं तो वृद्ध 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 से वृद्ध दासान दास भविदास, हम तो आपके दासों के दासों के दासों के हम दास हैं। गोपी भरत पद कमल दास दास दासान दास, हम तो गोपियों का भरता जो कृष्ण उनकी दासों का हम दास बनना चाहते हैं। देखना घर में जो छोटा बच्चा होता है ना सबका प्यार रहता है, आप बाहर कहीं जाओ उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आओ, सब उसको प्यार देते, लेकिन बड़े लोगों को प्यार देते कोई उसको पूछने वाले नहीं। इसलिए भक्ति जगत में छोटे बनने पर ज्यादा लाभ है, बड़े बनने पर ज्यादा लाभ नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु झाड़ू लगाए, झाड़ू लगा करके श्रील प्रभुपाद इतनी अच्छी अच्छी बात बताए। पहले महाप्रभु भक्तों को लेकर के पहले धूल को झाड़ू लगाए, बोले ये धूल क्या है, बोले हमारी अंदर में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं शुद्ध भक्ति का संज्ञा क्या है, डेफिनेशन क्या है, कहते अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, मतलब उत्तमा भक्ति किसी को कहते हैं, बोले भक्ति में कोई अभ्यास नहीं रहनी चाहिए, हम इसलिए भक्ति करते हैं हमें ये चीज मिल जाते हैं। ठाकुर जी किस चीज मांगने का जरूरत नहीं, कोई चीज ठाकुर से मांगने का जरूरत नहीं, ठाकुर जी अपनी आप सब देते हैं, वो सब जानते हैं, मांगो मत, मांगने से फिर हम थक जाएंगे, ठाकुर से मांगने पर थक जाओगे, इसलिए उसे किसी चीज की मांग नहीं करनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी को जब भगवान राम ने बोले बेटा बर मांगो, हनुमान जी क्या बोले, बोले बार बार बर मांगो हरसी देवो श्री रंग पद सरोज मन पायनी भक्ति सदा सतसंग प्रभु, भक्तों का संग आपके चरण की सेवा अनुपायनी भक्ति निष्काम भक्ति अपने प्रदान करो। इसलिए भक्ति में कोई कामना वासना नहीं रहता है, हम इसलिए भक्ति करते हैं हमें ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, नहीं इसलिए भक्ति मत करो। ठाकुर जी सब जानते हैं टाइम आने पर ठाकुर स्वयं दे देंगे, हैं ठाकुर जी तुम्हें स्वयं दे देंगे। इसलिए धूल को साफ क्या मतलब है, अगर अपना हृदय रूपी रथ में ठाकुर जी को बैठना चाहते हो पहले जितने संसार की भोग की वासना सारे भोग वासना को पहले त्याग दो। इसलिए उन्होंने उनको साफ किया, फिर उन्होंने साफ किया उसमें जो कंकड़ था, बोले ये कंकड़ क्या है, बोले क्या जो जीव चाहते हैं, अरे हम तो उसी ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, हम तो वही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म तुम वही ब्रह्म हो, न रहेगा पास न बचू बसी, संसार में जन्म लेंगे तभी तो हमें हाँ दुख कष्ट मिलेगा, इसलिए जाकर के ब्रह्म में ही अपना सत्ता को लीन कर दो। बोले ये चीज को भी त्याग दो, उसको भी उन्होंने झाड़ू देकर के वो कंकड़ को भी उन्होंने हटाया, उसको बाद में फिर क्या हटाया, फिर वहां पर ये सब जब पहले जब फिर उन्होंने पानी लाए,
उन्होंने पानी ला करके मेरे मंदिर को अच्छे तरह से उन्होंने धुलाया। बोले इसका मतलब क्या है? बोले हृदय छोड़ दिया, ज्ञान कर्म भोग छोड़ दिया, लेकिन ये भक्ति नहीं है, इसको भक्ति नहीं करते, तो हमने छोड़ा। लेकिन चाहिए तो कुछ ना तुम्हारे जीवन में क्या चाहिए? भगवान भक्ति प्रेम चाहिए, इसलिए उन्होंने पानी को ला करके उन्होंने सुंदर करके उन्होंने मंदिर को शुष्कल कर दिया। बोले हृदय ठंडा कब होगा? हृदय में शांति कब मिलेगी? जब अनुकूलन कृष्णानुशीलन, जब भगवान की रोचमाना प्रकृति, भगवान कैसे खुश होएंगे? जब इसीलिए जब भगवान की सेवा करोगे उसको द्वारा ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। इसलिए उन्होंने पानी देकर उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन साफ तो कर दिया लेकिन तब भी कुछ रह गया उसमें। बोले उसमें क्या रह गए? बोले कुटी नाटी। बोले कुटी नाटी मतलब बोले कपटता है। कहते भगवान की भक्ति करना तो जितने सारी कपटता को दूर करो। कपटता मतलब ऊपर में हम देखने के लिए एक लगते हैं लेकिन अंदर से और कुछ। बोले नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान बंसरी को भी बजाते। बंसरी के दो गुण, पहला गुण तो वो भीतर का पोला, बंसरी पोला। भगवान कहते मेरे पास में आओ ना, भीतर को खाली करके आओ, भर करके नहीं। और कृष्णा जैसे चाहते हैं वो ऐसे बजती है, मतलब भगवान जैसे बजाए वैसे बजे, अपना अपने आप नहीं। इसलिए कृष्णा बंसरी बहन समय पास में रखा करते हैं। इसलिए जो कपट है कहते बाहर और भीतर में हमें दोनों बराबर होनी चाहिए। हम ऊपर जैसे दिख रहे हैं वो अंदर में भी हमें ऐसे बना पड़ेगा, तब ठाकुर जी को पसंद है। कपट ठाकुर जी को पसंद नहीं। छल छिद्र मोहे ना भावा, इसलिए उन्होंने ये कुटी नाटी प्रतिष्ठा। हाँ, प्रतिष्ठा मतलब हम जाकर अकेले के भी जाकर भजन करेंगे, सारा दुनिया बोलेंगे बाबा रे, तो बाबा कुछ नहीं खाते, केवल दूध पीते, केवल फल खाते, हाँ दुनिया हमें बहुत बड़ा साधु मानेगा। कहते नहीं, कहते ये प्रतिष्ठा चीजों को भी छोड़ो। कुटी नाटी और जीव हिंसा, जीव हिंसा मतलब एक तो मांस मछली अंडा पंडा इसको नहीं खानी चाहिए, और दूसरी चीज ये है शुद्ध भक्ति प्रचार करो। शुद्ध भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति जो प्रचार नहीं करते हैं कहते इसमें जीव हिंसा है। और निषिद्धाचार, निषिद्धाचार मतलब होता है अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करनी चाहिए, और जितने गंदी चीज को शराब पान बीड़ सिगरेट ये सब चीज को हमें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए महापुरुषों को उन्होंने साफ किया, लेकिन तब भी इसमें कुछ दाग रह गया। फिर महाप्रभु क्या किया? अपना कपड़े को लेकर, अपना कपड़े को लेकर घीस घीस करके जो दाग रह गया था ना, वो दाग को भी उन्होंने साफ करवा। बोले क्यों? ठाकुर को बैठा ना, ठाकुर तभी बैठेंगे, ये सब गंदी चीज रहेगा तो ठाकुर बैठ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने उसको भी त्याग दिया। बोले वो क्या चीज की है? बोले वो है हमने सारे चीज को त्याग दे दिया, लेकिन कोई कोई व्यक्ति कहते चार तरह का पांच तरह का मुक्ति बताया। कहते हैं कि सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, साजुज्य और श्री, पांच तरह का उसमें मुक्ति है। कहते पांच तरह का मुक्ति में जो साजुज्य मुक्ति, साजुज्य मुक्ति मतलब एक दिन उसी ब्रह्म में ही अपना सत्ता को उसमें मिला देंगे, इसको जब मिल जाना ब्रह्म में। कहते भक्त तो ये चाहते नहीं, लेकिन वैकुंठ में चार तरह का मुक्ति है। सालोक का मतलब उनका लोक में वास करना, शांति मतलब भगवान की बराबर ऐश्वर्य हो जाए, हैं? इसलिए सालोक का शांति सारूप्य भगवान की जैसे रूप हो जाए, और सामिप्य मतलब भगवान का निकट में वास करना हमें मिल जाए। कहते भक्तों को हृदय से इससे को भी त्याग देना पड़ेगा। त्याग दे करके केवल शुद्ध भक्त बन करके गोपियां, गोपियों ने जैसे भगवान की भक्ति की ऐसे उनकी दासों के दासों के दास होकर के केवल श्री राधा श्याम सुंदर को सेवा करना। जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, बोले राधा कृष्ण प्राय मोर युगा किशोर दीवाने Oh.
कहते हैं प्रमुखता तो कई स्थिति में आएगा, जब दिव्य वृंदावन में राधा गोविंद को निकुंज में बैठा करके सुंदर बालक की माला पहनाएंगे, सुंदर श्रृंगार करके आपको झूला में बैठा करके झूला झूलवाएंगे, ठाकुर जी का भी ऐसा नहीं आए। इसलिए हमें केवल उनके सुंदर रूप में उनके चरण की सेवा और भक्ति चाहिए। अभी जो मंत्री जब साफ कर रहे थे ना, अभी साफ करते करते कोई कोई व्यक्ति ठीक ठीक से साफ नहीं कर रहे थे, महाप्रभु को मीठी मीठी बोली से शासन कर रहे थे, बोले मंदिर को ठीक से साफ करो, धूल को ठीक से साफ क्यों नहीं कर रहे हो, इसलिए कामचोर क्यों बन रहे हो, कामचोर नहीं बननी चाहिए, जितना हो सके ठाकुर की सेवा करनी चाहिए हैं। अभी महाप्रभु ने कहा देखो कौन कौन कितना मंदिर साफ किया पता कब चलेगा, बोले सारे धूल को इकट्ठे करो, जब धूल को इकट्ठे करोगे पता चलेगा कौन कितना मंदिर साफ किया, सारे धूल इकट्ठे करो। इतने में जितने भक्त थे उनको सारे धूल को इकट्ठे किए, और जब चैतन्य महाप्रभु का जो धूल को इकट्ठे किया ना, देखा सबसे ज्यादा धूल श्री चैतन्य महाप्रभु ने, मतलब सभी ने जितने साफ किया, अगर पूर्ण रूप में ज्यादा अगर कोई साफ किया तो कौन, बोले चैतन्य महाप्रभु ने साफ किया। बोले मतलब क्या, बोले मतलब क्या, जैसे यहाँ पर इतने सारे व्यक्ति है मंदिर साफ कर रहे हो और एक व्यक्ति साफ कर रहा है, सबका धूल इकट्ठे करो, एक व्यक्ति का धूल करो, एक व्यक्ति का कभी सभी से ज्यादा हो सकता है, होगा दो तीन व्यक्ति से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सभी का धूल से ज्यादा कभी हो सकता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है महाप्रभु जब मंदिर साफ करते थे सिर्फ राधा जी भाव से, राधा रानी कैसे अपना हृदय को साफ कर रही है श्याम सुंदर को बैठाने के लिए, मतलब सभी का भक्ति को अगर एक तरफ कर दो ना, और श्री राधा जी की भक्ति को अगर एक तरफ करो, सबसे ज्यादा भक्ति किसकी मिलेगी, राधा रानी की। इसलिए राधा शब्द को उल्टा दो तो क्या होगा, तो जोर से धारा, वो राधा नहीं कृष्ण प्रेम की वो धारा है, इसलिए राधा रानी नहीं, ये स्वयं आराधना की, ये स्वयं मूर्तिमान स्वरूप श्री राधा रानी। महाप्रभु का देखो जो ठीक से साफ नहीं किया ना उसका हम दंड देंगे। देखो भक्ति जगत में दंड भी बड़ा मीठा है, बोले क्या दंड, बोले सब जितने भक्त है ना सबको फीस खिलाओ, बढ़िया बढ़िया प्रसाद, सब भक्तों को बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाओ। देखो इसका मतलब क्या, ये चीज को अच्छा तरह से समझ लो, बोले ठीक ठीक से जो साफ नहीं कर रहा है, मतलब बोले जो व्यक्ति भजन ठीक ठीक से नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे हो ठीक ठीक से, हरिनाम ठीक से नहीं कर रहे हो, सोते हो एक दो बजे उठेंगे आठ दस बजे, माला पला कुछ नहीं, बास उठे जल्दी जल्दी मुंह धर काफी चले गए, हरिनाम हरिनाम से कोई मतलब नहीं, कभी इच्छा हुआ तो खड़ा कर लिया, नहीं तो माला जान का लग रहा, तिलक नहीं, हरिनाम नहीं, भजन क्यों नहीं हो रहा है, भजन कारण क्या। देखो प्रभुपाद कहते हैं हमारी पूर्व जन्म में सुकृत इतना नहीं है, हमारे इतने अच्छे संस्कार नहीं है, इसलिए हमारी भजन नहीं हो पा रहे, पर क्या करनी चाहिए उनको, बोले दंड, बोले क्या दंड, बोले सब भक्तों के प्रसाद, सब भक्तों को प्रसाद किया, जैसे महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी जो भाग जाते थे घर छोड़ करके, पिता चोर जबरदस्ती पकड़ करके लाते थे, जब नित्यानंद प्रभु से मिले बोले चोरा चोर तू, ये धन मेरे धन है जुगल सरकार, मेरे को बिना करो बोले ले जा रहे हो, आज तुमको दंड देगी, सारे संतों का सेवा करो, चीड़ा दही इनको भोग लगाओ, सारे संतों का सेवा करो, जब संतों का सेवा करो तो क्या होगा, हम जैसे पैसा कमाते हैं, अगर सारे पैसे अपना सेवा में लगा दिया, दूध खाने पीने में रहने में, फिर तुम्हारी सुकृति कहां से बनेगी, वो सुकृति बनी नहीं सकती तुम्हारी, इसलिए नियम है एक चौथाई अंश क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी की भक्तों की सेवा, क्योंकि हम अपना एनर्जी कहां लगाते हैं, पैसा कमाने में, भजन में तो एनर्जी नहीं लगा पा रहे, कहाँ कमा रहे हैं, पैसा कमाने में, जब वो पैसा ठाकुर और भक्तों को सेवा में लगेगा क्या होगा, तुम्हारी संस्कार बनेगी। इसलिए महाप्रभु ने दो बात बताए, वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, दो काम करो, क्या भक्तों का सेवा और भगवान का नाम कीर्तन करो, इसलिए महाप्रभु बोले उनको दंड देंगे हम, सारे भक्तों का है? सारे भक्तों का सेवा करो, ऐसे ही महाप्रभु ने बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने लीला की, और जो अच्छे तरह से साफ करते थे
महाप्रभु बोले तुमको एक काम करना, बोले क्या करना, तुम बढ़िया से साफ कर रहे हो ना, दूसरों को भी सिखाओ कैसे साफ करना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जो बढ़िया भजन कर रहे हैं अपना हरिनाम कीर्तन नाम संख्या भगवान की भक्ति ठीक से कर रहे हो, बोले भैया दूसरों को भी सिखा, मतलब तुम प्रचार करो, तुम प्रचार करके दूसरों को भी बोलो हरिनाम करो, दूसरों को बोलो भगवान की भक्ति करो। लेकिन कौन बोलेगा, लेकिन स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं तुमको भक्ति करना पड़ेगा, तब तो दूसरों को बोल सकते हो। अगर खुद माला करोगे नहीं, भजन करोगे नहीं, सोगे एक दो बजे उठोगे ना दस बजे कोई भजन भजन, फिर दूसरों को तू बोलोगे क्या, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास बोलने के लिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं स्वयं को पहले आचरण करना पड़ेगा, स्वयं को भक्ति करना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को बता सकते हैं भैया तुम भी भजन करो, तुम भी हरिनाम करो। गुरु जी एक कथा सुनाते थे, तो एक व्यक्ति था उसका बेटा बहुत बूढ़ा था। एक दिन वो बच्चे को एक संतों के पास लेके गए, बोले बाबा थोड़ी सी इसको बता दो, ये ज्यादा दूर खाता है, इसका तबीयत खराब हो जाएगी, इसको बोल तो ज्यादा दूर नहीं खाए। वो संत ने कहा सात दिन बाद में आए, जब सात दिन बाद में आए फिर वो संत ने बताया, बोले बेटा ज्यादा गुड़ खाओ ना तबीयत खराब हो जाएगा, इतना गुड़ मत खाया करो। जो व्यक्ति वो बच्चे को ले गया था वो संत से प्रश्न किया, सात दिन पहले में जब आया था आप क्यों नहीं बताए, उस समय क्यों नहीं बताए, अभी क्यों बता रहे हो, बल्कि उस समय मैं भी ज्यादा गुड़ खाता था, मैं स्वयं ज्यादा गुड़ खाता था, अगर बोले तुम गुड़ मत खाया करो फिर तो उसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए सात दिन में ना वो दूध कम करते 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 मैंने एकदम कम कर दिया, इसलिए आज मैंने बता रहा हूँ। इसलिए महाप्रभु कहते हैं तो सुधरा कर रहे हो भैया से, भैया दूसरों को भी शिक्षा दो, तुम भी अपना हृदय को अच्छा तरह से साफ करो, फिर ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में आकर के ठहर रहे, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पर रथ यात्रा होगी 25 तारीख, और 24 तारीख एक दिन पहले 24 को यहाँ पर नियम है ठाकुर एक दिन आने से पहले मंदिर साफ करना पड़ता है, इसलिए हम सबके सब आना है यहाँ पर। और जो लोग पूरी आ रहे हैं तो अच्छी अच्छी बात है, जब पूरी आ रहे हो संख्या के रूप में दर्शन करोगे, मंदिर ये भी भगवान की मंदिर है, इसलिए आप सबके सब 24 तारीख को यहाँ पर आना, आकर के मंदिर को साफ करना, ठीक है ना। पूरा मंदिर ऊपर नीचे तक पूरा पूरा अच्छे तरह से पानी दे करके हरे कृष्ण महानदी धरा जाओ। इसलिए यहाँ पर हरे कृष्ण भाई और हमारे शांत महाराज जी लोग रहेंगे, आप लोग मंदिर को साफ करना, और दूसरे दिन रथ यात्रा जगन्नाथ में कितने से कितने बजे रथ यात्रा होगी, 5 बजे से रथ यात्रा होगी। देखो ये पद्म पुराण का श्लोक है, बोले रथे वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब है रथ ऊपर में एक बार वो जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, ये शास्त्र कहता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जगन्नाथ जी रथ को ऊपर में देखने का इतना महत्व क्यों, कारण क्या, बोले कारण है कृष्ण इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है, कृष्ण द्वारका से कुरुक्षेत्र से कृष्ण जा रहे हैं वृंदावन, ब्रजवासियों से मिलने के लिए जगन्नाथ जी बड़े खुश रहते उस समय। जब कोई व्यक्ति खुश हो ना कोई चीज मांगो दे देते, इसलिए जब जगन्नाथ रथ पर बैठे रहते हैं, मैं पहले बताया था ना हम उड़ीसा से, हमारे घर के माता ही कहा करती थी जो स्त्री गर्भवती होती थी, बोले खबरदार रथ यात्रा देखने मत जाओ, बोले क्यों, बोले ठाकुर जब रथ ऊपर होते हैं ना उनका आंख इतने बड़े बड़े आंख है ना, कहते तुम्हारी ऊपर में तो प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारी गर्भ में जो बच्चे हैं उसको ऊपर में भी जगन्नाथ का प्रभाव पड़ता है, वो बच्चे का आंख बड़ी बड़ी हो जाते, इसलिए कहते थे अभी रथ यात्रा में गर्भवती दर्शन के लिए मत जाएगा, तेरे बच्चे फैलेगा, बच्चे का आंख बड़ी बड़ी हो जाए। इसलिए पूरी में जब ठाकुर होते हैं ना, जैसे ठाकुर को हम भोग लगाते हैं कैसे स्क्रीन बंद करके मंत्र, वहां पर कैसे कुछ नहीं, जो जहां से रथ जितने दूर तक ठाकुर नहीं रथ भी कहीं से आगे पीछे कहीं से जय जगत उसमें तुलस पता दे करके जय जगन्नाथ, बस ठाकुर उससे ग्रहण कर लेते, मतलब इतने प्रभाव उनकी रहते हैं रथ के ऊपर बैठते, इतने प्रभाव जगन्नाथ की रहता है, और अपने बड़े खुश रहते हैं। रथ कौन खेच करके ले जाती है, गोपियां ले जा रही हैं, राधा रानी अपना हृदय रथ को ठाकुर को बैठा करके रखे, वो रस्सी की इतने महत्व, हम पूरी गए ना जगन्नाथ का जो रस्सी है ना, वो रस्सी की इतने महत्व है, जब रथ यात्रा हो जाता है ना पूरी से वो रस्सी को तोड़ तोड़ कर एक एक ठाकुर को ले जाता है, क्यों, बोले वो रस्सी अगर इसको घर में रखो भूत पिशाच डाकिन साकिन
कोई वो घर में नहीं रहते, सब भाग जाते हैं, घर का सारे अमंगल दूर हो जाता है, जिनको भाई उठा कमर कमर दर्द रहता है उसमें उसको बांधो को दर्द खत्म हो जाती है, सारी बीमारी खत्म हो जाती है। क्यों? वो रस्सी साधारण नहीं होता है, साक्षात स्वयं जगन्नाथ जी को खेचते हुए गोपियां ले जा रही है राधा रानी, वो रस्सी की इतने प्रभाव है। इसलिए आप लोग आना ही तो है ही है, अकेले नहीं, 10-10 व्यक्तियों को लेकर के आना, ठीक है, 10-10 व्यक्तियों को लेकर के आना और बड़े धूमधाम से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करना। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बलदेव प्रभु की जय, सुभद्रा देवी की जय, सुदर्शन नक्षत्र की जय। Thank you.
महाराज जय आपको प्रसाद दीजिए।